Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 4 heat है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ। अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पर आते हैं। तो फाइंड करना है हमें द टेम्परेचर ऑफ टैप वाटर, जो पानी का नल का पानी होता है उसका जो टेम्परेचर अपने फाइंड करेंगे, मालूम करना है यूजिंग क्या लेकर, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लेकर टैप वाटर का जो टेम्परेचर है वो फाइंड आउट करने की यहाँ एक्टिविटी बताई है। अपार्टस एंड मटेरियल्स, इसके साधन क्या है और मटेरियल्स क्या है वो यहाँ पर बताए हैं। टैप वाटर उपकरण जो होते हैं और मटेरियल्स जो होते हैं उसके, टैप वाटर है, बीकर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये इसके क्या है, अपार्टस हैं और उसके मटेरियल्स हैं। टैप वाटर जो पानी है नल का, बीकर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। फिगर बताई गई यहाँ पर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर माप करना है ऑफ टैप वाटर विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर से हमें इसका, टैप वाटर जो है उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। यहाँ प्रोसीजर बताई गई, नंबर 1 है फिल अप्रोक्सीमेटली, लगभग क्या है, इतना पानी लेना है, हाफ ऑफ अ बीकर, जो बीकर बताई है, ये जो बीकर है वो बीकर में क्या है उसको हाफ बताना भरना है। जो बीकर है इसमें पानी लेना है ऑफ अ बीकर विथ टैप वाटर, पानी का जो नल का पानी है वो लेना है, आधा जो बीकर भरना है, एंड पुट इट ऑन अ टेबल, और उसे टेबल पर रखना है। तो नंबर डीप द लेबोरेटरी थर्मामीटर, हमें उसमें जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें डुबोना है इन द वाटर इन सच अ वे दैट द बल्ब, यहाँ तक का डालना है जहाँ तक बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर, डूब जाए इतना रखना है, बट इट डज नॉट टच द बॉटम, पर बॉटम को टच नहीं करना है, और साइड्स ऑफ द बीकर, बीकर की साइड को भी हमें इससे दूर रखना है। यहाँ ये बताए गए हैं, नंबर 3 में है होल्ड करना है, पकड़ कर रखना है द थर्मामीटर वर्टिकली, वर्टिकली रखना है, सीधे ही खड़ा रखना है, एंड ऑब्जर्व करना है द मूवमेंट ऑफ द मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के क्या मूवमेंट है उसको हमें ध्यान देना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, मर्क्यूरी लेवल इन द थर्मामीटर। फोन नंबर वेट टिल द मर्क्यूरी, जब वहाँ तक हमें वेट करना है जहाँ तक जो मर्क्यूरी लेवल नहीं आ जाता, बिकम्स स्टडी एंड नोट डाउन द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर। 5 नंबर कंपेयर करना है द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, हमें अलग अलग बच्चों का जो टेम्परेचर मालूम किया है हमें उससे क्या करना है, कंपेयर करना है, जो अलग अलग बच्चों ने इसका जो क्या है कम जो टेम्परेचर को फाइंड आउट किया है, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। ऑब्जर्वेशन द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर, जो रीडिंग होता है थर्मामीटर का वो हमें बताता है द टेम्परेचर ऑफ टैप वाटर एट दैट टाइम, देर इज अ स्लाइट वेरिएशन इन द टेम्परेचर, थोड़ा थोड़ा स्लाइट क्या है वेरिएशन होता है, अलग अलग होता है, ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट, हर एक का अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, डिफरेंस होता है जो टेम्परेचर में जो टैप वाटर का है रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट। कंक्लूजन है, हमें निर्णय पर क्या आएंगे, नतीजे पर आते हैं कि वेरिएशन जो आता है इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर मे बी ड्यू टू द प्रीकॉशंस विच मे और मे नॉट, होता भी नहीं भी होता है, बी फॉलोड बाय स्टूडेंट्स व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। नाउ एक्टिविटी नंबर 5, टू ऑब्जर्व दैट लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड, हम क्या है इसको यूज नहीं कर सकते जो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के लिए जो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो हम यूज नहीं कर सकते, और क्या है टू मेजर द टेम्परेचर, या तो
मेजर करना है टेम्परेचर को ऑफ अ हॉट वाटर जो गर्म पानी का होता है विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टेम्परेचर मस्ट बी मेजर्ड ओनली व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर। अपार्टस है यहाँ के उपकरण बताए इन मटेरियल्स है हॉट वाटर है बीकर लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। नंबर वन है टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, अब इसमें गर्म पानी लेने का बोला है बीकर में, डीप दी लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हमें क्या है इसमें डुबोना है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर बीकर में, इन हॉट वाटर एंड होल्ड और पकड़ कर रखना है इट इन द वर्टिकल पोजिशन, सीधे ही खड़े रखना है इसे। थ्री नंबर में है वेट करना है टील जब तक मर्क्यूरी लेवल और थ्रेड जो उसकी डोरी जैसी होती है जो रैली उसकी मर्क्यूरी की बिकम्स स्टेडी सीधी और रहे एंड नोट डाउन द टेम्परेचर, और हमें क्या है नोट डाउन करना है टेम्परेचर को। वन नंबर नाउ टेक आउट दी थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर एंड हमने वहाँ निकाल लेना है थर्मोमीटर को और ऑब्जर्व करना है केयरफुली व्हाट हैपन्स क्या हुआ हमें ध्यान से देखना है। इज इट कन्वीनियंट टू यूज दी लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर गिव द आंसर विथ प्रॉपर रीजन, क्या है इसमें इट इज कन्वीनियंट टू यूज दी लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर गिव दी आंसर विथ प्रॉपर रीजन। ऑब्जर्वेशन में देखेंगे एज सुन एज यू टेक दी लेबोरेटरी टेम्परेचर आउट ऑफ वाटर, जब बाहर निकालेंगे हम इसे क्या होगा क्या होता है द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिनस टू फॉल, गिरने लगता है जो मर्क्यूरी का जो है मर्क्यूरी का लेवल है वो बिगिनस टू फॉल। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज इन वाटर, नो इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर ऑन टेम्परेचर, नो इट इज नॉट कन्वीनियंट यानी कि है सुविधाजनक जो होता है टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर या अपना टेम्परेचर मापते हैं तापमान तो यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ, कहाँ रखते हैं हम माउथ के नीचे रखते हैं थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, बाहर निकल के हम उसका रीडिंग करते हैं तो क्या है ऑब्वियसली सुविधाजनक जो होता है इट इज क्लियर फ्रॉम द एबो एक्सप्लेनेशन, उससे क्या है क्लियर होता है जो हमने ऊपर का जो किया है ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन किया है दैट इट इज नॉट कन्वीनियंट सुविधाजनक नहीं होता है टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर से, क्या है जो सुविधाजनक जो हम चाहते हैं ऐसा नहीं होता तो जो बताता नहीं ही है यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज, इसलिए हैंस टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वी यूज हमें क्या है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से क्या है नहीं हो सकता है तो हमें क्या यूज करना चाहिए इसलिए जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करना चाहिए हैंस इसलिए टू मेजर द ह्यूमन जो बॉडी है उसका टेम्परेचर मापने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए हमें यूज करना चाहिए क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं के लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वी यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर इन विच दिस इज अ किंक जो गुत्थी होती है नियर द बल्ब एंड दिस किंक प्रिवेंट्स रोकती है उसको मर्क्यूरी लेवल को नीचे गिरने से फ्रॉम फॉलिंग डाउन ऑन इट्स ऑन व्हेन क्लिनिकल थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ माउथ, मुंह के बाहर निकालने हमने अंदर रखा है उसका टेम्परेचर मापने के लिए और जब बाहर निकालने से क्या होता है जो लेवल होता है प्रिवेंट से उसको रोकता है मर्क्यूरी लेवल जो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से मापने से बराबर रहता है फ्रॉम फॉलिंग उसे रोकता है फॉलिंग डाउन गिरने से ऑन इट्स ऑन व्हेन क्लिनिकल थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ माउथ, इसके लिए क्या है हमें
जो लेबोरेटरी थर्मामीटर नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि जो हमें होता है ह्यूमन बॉडी के लिए वो क्लिनिकल थर्मामीटर ही बराबर से जो होता है टेम्परेचर मालूम पड़ता है हमें, नहीं के लेबोरेटरी थर्मामीटर से। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, क्लिनिकल थर्मामीटर हमें यूज करना चाहिए। हम यहाँ पर है एक्टिविटी नंबर 6 टू ऑब्जर्व करना है द फ्लो जो होता है हीट की जो होती है, गर्मी ब्लड बढ़ती है, फ्लो होता है थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट में। ऑब्जर्व करना है किस तरह सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो है हीट गर्मी कैसे अंदर पसार होती है। मेटल जो है, अब यहाँ मेटल लिया गया है, अपार्टस जो है जो उसका उपकरण है वो जो मटेरियल्स है रोड है और या तो फ्लैट स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन वैक्स पीसीस है और कैंडल टू ब्रिक्स। दो ईंटें बताई है यहाँ पर, दो ईंटें ली गई है यहाँ पर। प्रोसीजर देखेंगे हम इसकी, नंबर 1 में है टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम जो पट्टी बताई गई है यहाँ पर और आयरन, या तो फिर एल्यूमिनियम की या तो लोहे की लेने की है रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। 2 नंबर में फिक्स करना है अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज, तो वैक्स पीसीज यहाँ बताए गए हैं यहाँ पर, उसको बाय हीटिंग जो गर्मी से दिया जाएगा ऑन द मेटल रॉड जो उससे गर्मी दी जाएगी, उससे गर्मी के लिए यूज करेंगे। फिक्स करना है अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज बाय हीटिंग ऑन द मेटल रॉड, देयर पीसीज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस से, इसे फिगर में बताया गया है। अब देखिए पिक्चर बताई गई है, ये ब्रिक्स ली गई है, यहाँ क्या है कैंडल है, एल्यूमिनियम रॉड बताई है और ये यहाँ पर क्या लगाए गए हैं वैक्स पीसीज। देखिए फिगर है यहाँ, अब ये यहाँ लिखा हुआ हीट ट्रांसफर कैसी होती है इन मेटल रॉड में, कैसे जाती है ट्रांसफर होती है। 3 नंबर है क्लैंप द रॉड टू आर स्टैंड से जोड़ना है और पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन टू ब्रिक्स के बीच में रखना है, दो ईंटों के बीच में रखना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आड़ी जो ईंटें बताई है वो डायरेक्शन ईंटें रखकर बीच में क्या है जो रोड को पसार करना है इन सच अ वे दैट द वैक्स पीसीज मस्ट रिमेन बेनिथ द रोड, बराबर रह सके उससे बीच में पकड़ उसकी रहे। फोन नंबर है नाउ हीट देना है हमें द अदर एंड ऑफ द रोड, जो रोड की दूसरी साइड पर हमें उसे गर्मी देना है विद द हेल्प ऑफ कैंडल। ये फिगर में सीधा फिगर बताई, यहाँ देखिए फिगर बताया गया है एंड ऑब्जर्व, और उसे देखना है ऑब्जर्व करना है हमें उसको। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसीज, क्या हुआ वैक्स पीसीज में, डू दीज पीसीज बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू होते हैं। दिस पीस फॉल्स द फर्स्ट, पहला पीस कौन सा गिरता है। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड करती है फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम, जो फ्लेम के एकदम करीब में है उससे क्या है वहाँ से गर्मी क्या है ट्रांसफर होती है फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम एंड टू द अदर एंड। ऑब्जर्वेशन में है वैक्स पीसीज स्टार्ट मिल्टिंग, क्या है मिल्ट होने लग जा शुरू हो जाते हैं। यस वैक्स पीसीज पीस होते हैं क्लोजेस्ट जो पास में है टू द हीटिंग एंड ऑफ द रोड फॉल्स फर्स्ट, कौन से गिरते हैं जो पास में वो पहले गिरते हैं जो चौक के जो कर होते हैं पीसीज वैक्स पीसीज। आफ्टर दैट उसके बाद द सेकेंड नियरेस्ट जो जो पसा पास में आता जाता है, गर्मी जाती रहती है उनकी उनके करीब से जाती रहती है, ऐसे ऐसे वैक्स जो पीस होते हैं वो गिरते हैं नियरेस्ट वैक्स पीस एंड सो ऑन। इस तरह क्या है आगे आगे गर्मी जो बढ़ती रहती है ऐसे पीस जो होते हैं वैक्स के वो गिरने लगते हैं। यस हीट इज ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम वन एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। कंक्लूजन जो है उसका नतीजा क्या निर्णय पर आएंगे कि हीट ट्रेवल्स, हीट के मुसाफरी करती है इन मेटल थ्रू कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू हीट फ्लोज जो हीट गर्मी अंदर बहती रहती है फ्रॉम दी हॉटर
एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर एंड, क्या है, हॉटर एंड से लेके जहाँ पर कोल्डर एंड जो होता है एंड उसका छे लास्ट का वहाँ तक वो पसार होती है। ये हमने क्या किया, नतीजा जो है निर्णय देखा हमने, इस पर हमने क्या क्या नतीजा आकाश किया कि हीट ट्रैवल्स करती है इन मेटल थ्रू कंडक्शन, हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर एंड। एक्टिविटी नंबर 7, टू ऑब्जर्व करना है द कंडक्शन ऑफ हीट इन डिफरेंट मेटल्स मटेरियल्स में, हमें अलग अलग कैसे कंडक्शन ऑफ हीट आती है अलग अलग मटेरियल्स में वो बता देखना है, ऑब्जर्व करना है। अपैरेटस एंड मटेरियल्स क्या है, इसमें उपकरण और मटेरियल्स हैं बीकर वाटर गैस स्टोव, डिफरेंट मटेरियल्स लाइक स्टील, अलग अलग मटेरियल्स बताए हैं जैसे कि स्टील है, स्टील स्पून है, प्लास्टिक स्केल है, पेंसिल एंड डिवाइडर ऑफ अ कंपास, देखिए डिवाइडर भी बताया है कंपास का, कंपास बॉक्स होते हैं इसके क्या है अपार्टस, और इसके क्या है उपकरण और मटेरियल्स में बीकर वाटर गैस स्टोव है, डिफरेंट मटेरियल्स लाइक स्टील स्पून प्लास्टिक स्केल पेंसिल एंड डिवाइडर ऑफ अ कंपास बॉक्स, कंडक्शन ऑफ हीट इन डिफरेंट आर्टिकल्स में फिगर में बताया है, देखिए यहाँ बताया है। अब प्रोसीजर क्या होती है इसकी देखेंगे, प्रोसीजर पर जाएंगे। नंबर 1 है हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और बीकर। 2 नंबर है कलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एज अ स्टील स्पून प्लास्टिक स्केल पेंसिल एंड अ डिवाइडर एंड डीप, उनको डीप करना है पानी में डूबना है, वन एंड कले पे वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर गर्म पानी में, सच दैट देयर अदर एंड्स रिमेन आउटसाइड वाटर, जो वाटर के बाहर रहे जो दूसरा हिस्सा है वाटर के बाहर रखना है। 3 नंबर में है वेट करना है हमें फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर हमें रुकना है एंड टच दी अदर जो आउटर साइड है वो टच करके देखना है एंड ऑफ ईच आर्टिकल, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल में बताना है, यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल ट्रांसफर ऑफ हीट इन डिफरेंट आर्टिकल्स में किस तरह ट्रांसफर होती है हीट, और यहाँ में जो टेबल है उसमें बताना है आर्टिकल का नाम है स्टील स्पून प्लास्टिक स्केल पेंसिल एंड डिवाइडर, मटेरियल है विथ विच दी आर्टिकल इज मेड ऑफ, जिसकी आर्टिकल जो बना हुआ है मटेरियल कौन सी किसका बना हुआ है वही देखिए है, स्टील स्पून है वो है मेटल का है, प्लास्टिक स्केल है वो प्लास्टिक है एंड पेंसिल वुड लकड़ी की जो पेंसिल होती है एंड डिवाइडर है वो मेटल है। डज दी अदर एंड गेट हॉट, अब जो दूसरी साइड जो बाहर है आउटर साइड वो क्या बोलता है कि दूसरी जो साइड है वो गर्म हुई, यस और नो में हमें आंसर लिखना है। अब ये स्टील स्पून है मेटल का बना हुआ है, उसमें क्या है डज द अदर एंड गेट हॉट, दूसरी साइड जो गर्म हुई तो मेटल में जल्दी होगी तो यस लिखेंगे। देखिए हम खाना पकाते हैं तो जो नीचे का हिस्सा होता है वो ऊपर का हिस्सा भी इतना ही गर्म हो जाता हम पकड़ नहीं सकते, तो ये स्टील स्पून में ऐसा ही होता है तो ये मेटल में होगी यस गर्म होगा, दूसरा भी जो एंड है वो गर्म हो जाएगा। प्लास्टिक स्केल है प्लास्टिक उसमें जल्दी पसार नहीं होगी तो हम लिखेंगे यहाँ नो प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक से बना हुआ है तो उसमें होगी नहीं, नहीं नो लिखेंगे एंड पेंसिल जो वुड है उसमें भी से भी जो हीट जल्दी पसार नहीं होती, लकड़े की जो वस्तु होती है देखिए हम ढोसा बनाते हैं जो उसका लकड़े का जो होता है उसका जो पैन जैसा वो होता है जिसे चमची जैसा हम यूज़ करते हैं उससे ढोसे को पलटते हैं करते हैं वो जल्दी गर्म नहीं होता क्योंकि वो वुड का बना हुआ होता है ना, इसलिए पेंसिल जो है लकड़ी वो भी गर्म नहीं होती, वो लकड़ी की बनी होती है, यहाँ लिखेंगे नो। एंड डिवाइडर, डिवाइडर जैसे आयरन लोखन का होता है मेटल का होता है तो जल वो भी गर्म हो जाएगा उसका, यहाँ लिखेंगे यस। इस तरह हमारा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। अदर एंड ऑफ स्टील स्पून एंड डिवाइडर बिकम्स हॉट,
जो उसका दूसरा छेड़ा होता है स्टील स्पून और डिवाइडर का, वो गर्म हो जाता है, वाइल दैट ऑफ प्लास्टिक स्केल उसके उसकी कंपेयर में क्या है, जो प्लास्टिक स्केल है और जो लकड़ी पेंसिल होती है वो वुड की बनी होती है, डज नॉट, वो गर्म नहीं होती है। इसका जो एंड दूसरा होता है आउटर साइड होता है वो गर्म नहीं होता है। हम कंक्लूजन पर आएंगे, यहाँ पर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, जो मेटल है वो गुड, उसमें जल्दी हीट पसार होती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल है जैसे हीट कैन बी कंडक्टेड थ्रू मेटल्स इजीली। मटेरियल्स जो बताए है सच एज जैसा प्लास्टिक है और वुड है, वो क्या है उसका बैड कंडक्टर्स है, आर इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एक्टिविटी ना एक्टिविटी एट में है टू शो द ट्रांसफर ऑफ हीट, हमें बताना है देखना है द ट्रांसफर होती हीट बाय कॉन्वेक्शन इन वाटर। अपार्टस एंड जो मटेरियल से है, उपकरण जो मटेरियल से है उसमें ये है राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क, देखिए फ्लास्क बताया है ना, ये राउंड बताया है, ये क्या है राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क, वाटर है, ट्राइपॉड है जिसके पास स्टैंड है ट्राइपॉड है, वायर गूज है, बंसेन बर्नर है, पोटेशियम पर मैंगनेट और स्ट्रो बताइए, यहाँ स्ट्रो बताइए, देखिए यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है या स्टैंड है, वाटर है यह अंदर भरा हुआ है और पोटेशियम पर मैंगनेट एंड वायर गोज है और ये ट्राइपॉड है और ये है बंसन बर्नर है, बताया गया बर्नर है यहाँ पर से, यहाँ से जैसे हमें हीट देना है तो ये हमारी फिगर क्या है कन्वेक्शन देखना है पानी में कैसा होता है कन्वेक्शन इन वाटर। हाँ प्रोसीजर नंबर वन है टेक अराउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क, लो क्या लेना है हमें राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क, टू फिल इट टू थर्ड्स विथ वाटर। नंबर थ्री प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड विथ वायर गोज, फिगर बताइए एंड अरेंज दी बंसन जो बर्नर है जस्ट बिलो, नीचे रखना है बिलो इट, और नंबर वेट टिल, वहाँ भी रुकना है टिल द वाटर इन फ्लास्क इज स्टिल। फाइन नंबर प्लेस, उसके बाद क्या है हमें प्लेस लेना है क्रिस्टल और पोटेशियम पर मैंगनेट का टुकड़ा लेकर उसमें डालना है जेंटली एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क यूजिंग अ स्ट्रो, स्ट्रो के थ्रू क्या है कि क्रिस्टल लेना है पोटेशियम पर मैंगनेट का और उसके अंदर उसके बॉटम में हमें फ्लास्क के बॉटम में डालना है विथ स्ट्रो। सिक्स नंबर हीट द फ्लास्क, हमें हीट देना है फ्लास्क को गर्म करना है एंड ऑब्जर्व द हीटिंग प्रोसेस, ऑब्जर्व द हीटिंग प्रोसेस ऑफ वाटर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या देखा हमने, क्या ऑब्जर्व किया व्हेन वायलेट कलर्ड, जो वायलेट कलर होता है पोटेशियम पर मैंगनेट का वायलेट कलर वाटर इज हीटेड द कलर वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेज अप टू टेक प्लेस ऑफ दैट हॉट वाटर, टू टेक प्लेस ऑफ दैट हॉट वाटर द कोल्ड वाटर, अब क्या रखना है द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। दिस वाटर ऑल्सो गेट, कोल्ड वाटर लेने पर क्या होता है दिस वाटर ऑल्सो गेट्स, वो भी क्या है गर्मी प्राप्त करता है, गेट्स हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन ड्यू टू वायलेट कलर करंट्स ऑफ वाटर गोइंग अप एंड डाउन कैन बी क्लियरली विजिबल। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, आफ्टर सम टाइम होल वाटर टर्न्स वायलेट कलर, चले क्या होता है लास्ट टाइम पे जब पूरा पानी है वो किसमें बदल जाता है वायलेट कलर में बदल जाता है, टर्न हो जाता है
After some time, whole water turns a violet color. Enclosure में लिखेंगे heat is transferred. Heat क्या है? Transferred होती है in water by convection. किससे होती है? And transferred किससे होती है? Heat is transferred in water by convection. Now activity 9 to show that क्या बताना देखना है हमें air above. The flame gets heated by convection. Apparatus and materials में है candle and stand. देखिए यहाँ पर बताया गया है कैंडल से और हैंड जो है देखिए ऊपर नीचे कैसे गर्म होते हैं तो ट्रांसफर होती है ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर. ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर प्रोसीजर है पुट अ कैंडल ऑन अ स्टैंड. हमें क्या है स्टैंड पर जो कैंडल लगाना है. पुट अ कैंडल ऑन अ स्टैंड टू नंबर है लाइट द कैंडल. कैंडल जलाना है एंड कीप योर वन हैंड. तुम्हारा एक हाथ रखना है इसे फिगर में बताया गया है. कीप योर वन हैंड एबो द फ्लेम. फ्लेम के ऊपर रखना है एक हैंड जो है उसको फ्लेम के ऊपर रखना है. केयरफुली ध्यान से रखना है एट अ सेफ डिस्टेंस. ऐसा डिस्टेंस रखना है कि हमें जरा हमारा हाथ जल ना जाए. केयरफुली एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम so that it does not get burnt. कहे वो does not get उसमें आग नहीं लगती. एंड अदर हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम ये बताया है यहाँ पर. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. दोनों में सेम गर्म हो गया दोनों हाथ. इफ नॉट अगर नहीं है तो विच हैंड फील्स हॉटर. कौन सा हाथ बहुत गर्म हो गया है एंड वाई और क्यों. ऑब्जर्वेशन बताएंगे हम. द हैंड एबो द फ्लेम जो फ्लेम के ऊपर हाथ था फील्स हॉटर. वो गर्म वहाँ गर्मी हुई वह गर्म हो गया. हॉटर देन द हैंड ऑन द साइड जो नीचे का हाथ था वो ज़्यादा गर्म हो गया. एबो द फ्लेम जो फ्लेम के ऊपर था और दूसरा जो था वो क्या है दूसरी साइड थी वो हॉटर देन द हैंड ऑन द साइड. अब क्या है कंक्लूजन हम देखेंगे इसका नतीजा. तो द एयर एबो द फ्लेम गेट्स हीटेड. जो एयर होती है एबो द फ्लेम जो फ्लेम के ऊपर की एयर वो गर्म होती है बाय कन्वेक्शन. वाइल कन्वेक्शन डज नॉट ओकर ऑन द साइड्स.